नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ही खबर मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज अपने आवास पर DGP मुख्य सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों की बैठक की और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि अंतिम सोमवारी और बकरीद एक ही दिन होने जा रहा है 12 तारीख को, और उस दिन कहीं से कोई अप्रिय घटना न घटित हो और कहीं शांति व्यवस्था भंग न हो, कहीं भी सांप्रदायिक सौहार्द वातावरण में खलल पैदा न हो, इसलिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर प्रशासन को रखनी है और सोशल मीडिया में कोई भी ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट जो इस पर्व को प्रभावित करे और जो सद्भावना को खंडित करे और जिससे द्वेष लोगों के बीच फैले और परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़े, ऐसे पोस्ट पर निगाह रखनी है और उसे वायरल नहीं होने देना है। आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण मीडिया है। इसमें कोई भी वीडियो पोस्ट करने के बाद तुरंत वायरल होता और तुरंत लोगों को जानकारी हो जाती है, सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट निर्देश पदाधिकारियों को और पुलिस पदाधिकारियों को दिया कि सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखनी है और आपत्तिजनक किसी भी तरह के पोस्ट होने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी है। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जो भी इंस्टाग्राम हो, जिस भी तरह से सोशल मीडिया का लोग दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों के किए गए पोस्ट पर तुरंत निगाह डालना है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है और किसी भी तरह का वीडियो को वायरल नहीं देना है। इस निर्देश को देने के पीछे का बहुत बड़ा यह मामला है कि 12 तारीख को ही मुसलमानों का बकरीद है और हिंदुओं का अंतिम सोमवारी का पर्व है। चूंकि दोनों पर्व एक ही दिन पड़ने से भीड़ बहुत ज्यादा होगी, दोनों पर्व के श्रद्धालु अपने अपने पर्व को मनाने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे और सारे लोग उल्लास और उत्साह से अपने पर्व को मनावेंगे, इसमें कोई खलल पैदा ना हो, किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व किसी भी तरह का वीडियो या किसी भी तरह का मैसेज सोशल मीडिया में डालकर सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास न करे। इसलिए ही उच्च स्तरीय बैठक आज नीतीश कुमार के आवास पर की गई और नीतीश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दे दिया कि सोशल मीडिया पर पूर्ण रूपेण निगाह रखनी है और किसी भी तरह का कोई भी पोस्ट होने पर वायरल नहीं होने देना और तुरंत कार्रवाई करना है, कार्रवाई में पीछे नहीं रहना और तुरंत उसको मॉनिटरिंग भी करना और तुरंत उस परिस्थिति को संभालने के लिए तैयार रहना। दोस्तों, यह मुख्यमंत्री का निर्देश आज पारित हुआ, हमने आप तक पहुंचाया। आपने YouTube चैनल, मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दें मित्रों दोस्तों यारों में कि अगर कोई गलती करे तो न करे और निगाह रखें। प्रशासन जाग चुकी है और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।